हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। आखिरी अवतार के रूप में कल्कि अवतार माना जाता है, जो भविष्य में होने की उम्मीद है। कल्कि अवतार को विष्णु पुराण और कल्कि पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में वर्णित किया गया है। इसके अनुसार कल्कि अवतार काली युग के अंत, जब वर्तमान युग में अंधकार और नैतिक अवनति होगी। कल्कि अवतार का वर्णन भगवान के विभिन्न पुराणों में किया गया है, जहां उन्हें एक सफेद घोड़े पर सवारी माना जाता है और उनके हाथ में तेज तलवार होती है। वे धर्म की संरक्षा, दुष्ट शक्तियों का नाश करने और नए युग में शांति और समृद्धि की स्थापना करने के लिए आएंगे। कल्कि अवतार के आगमन के बारे में निश्चित विवरण और समयरेखा भिन्न भिन्न आचार्यों और परंपराओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार अभी तक प्रकट नहीं हुआ है और यह भविष्य में होगा, जबकि दूसरे लोग इसे एक निरंतर आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं। इसलिए कल्कि अवतार के आगमन के सटीक रूप और समय के बारे में अंतर्भाषित विचार हैं।